जब आप एक YouTube चैनल को बनाते हैं और बहुत ज़्यादा उससे लगाव रखते हैं, लगाव रखना भी चाहिए भाई, क्योंकि हम एक तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब बिजनेस में कमाई की मामला आता है, आपने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने वीडियोस बना दिए, आपने बहुत सारे यहाँ पर कंटेंट को क्रिएट कर दिया, लेकिन जब उसको अप्लाई करने जाते हैं पैसों के लिए या कहो मोनेटाइजेशन के लिए, तो यहाँ पर आपके पास आती है कि भाई आपका जो कंटेंट है वो रीयूज कंटेंट है और हम आपको मोनेटाइजेशन नहीं देंगे। जानेंगे कि उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसमें आपको रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम आती है, साथ साथ जो री अपील करने का ऑप्शन आपको मिलता है 30 दिन का, उसके अंदर आपको क्या करना है। अगर आपने वो नहीं किया तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल भटनागर यूट्यूब चैनल, जहां पर हम बात करते हैं यूट्यूब के बारे में, साथ साथ बात करते हैं बहुत सारे सोशल मीडिया के बारे में। आपको पता ही है कि मैं YouTube टीम के साथ प्रोडक्ट एक्सपर्ट के रूप में वर्क भी करता हूं, तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं वो बिल्कुल ओरिजिनल होती है, ऑथेंटिक होती है। ठीक है, मुख्यतः चार चीज़ें होती हैं रीयूज कंटेंट में। पहली होती है कि अगर आप किसी की वीडियो का इस्तेमाल अपने वीडियो में करते हैं, कॉपीज़ बन जाती हैं। रीयूज कंटेंट का मतलब होता है कि एक ही वीडियो की काफ़ी सारी कॉपीज़ बन गई, या मतलब जिसने पहले अपलोड किया था उसके बाद जिसने इसको इस्तेमाल किया तो वो रीयूज्ड में आ जाता है। अब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का वीडियोस बार बार अपने वीडियोस में अपलोड करते हैं तो आप रीयूज कंटेंट की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, इसमें एक क्लॉज नहीं जुड़ी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो लोग मोनेटाइज हो गए हैं वो किसी की वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत हो सकती है। YouTube शुरुआत में हो सकता है आपको इग्नोर कर दे, लेकिन अब YouTube को लगेगा ये तो अपना कंटेंट बना ही नहीं रहा और वो दूसरे के कंटेंट को डाले जा रहा है, तो वहाँ पर आपको बैन किया जा सकता है, या कहूँ आपकी मोनेटाइजेशन वहाँ पर ऑफ की जा सकती है। और एक तलवार तो लटकी रहती है, क्योंकि जब आप दूसरे का वीडियो इस्तेमाल करते हो, कंटेंट इस्तेमाल करते हो, तो कॉपीराइट स्ट्राइक तो आ ही सकती है। ये बात ध्यान रखिए। तो पहला हो गया कि दूसरे का कंटेंट इस्तेमाल करना। सेकेंड आता है कि पब्लिक डोमेन की फुटेज है, मैंने सारे लिखे हुए रखे हैं जिससे मैं कुछ चीज़ भूलूँ ना। तो पब्लिक डोमेन की फुटेज, अब होता क्या है कि कोई अगर आंदोलन हो रहा है, कोई मार्च निकल रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसमें आप शूट करते हो, आप ये कंसिडर करते हो कि आपकी वो वीडियो है, लेकिन होता क्या है कि उस जैसी तस्वीर वीडियो यूट्यूब पे आ जाती हैं। अब यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है वो ये देखती है कि सबसे पहले किसने इसको अपलोड किया, और अगर कोई मीडिया कंपनी या कोई मतलब बड़ी कंपनी या बड़ा प्लेटफॉर्म उसको अपलोड करता है तो प्रीफरेंस हमेशा उसी को मिलती है। आपकी वीडियो जो होगी वो हो सकता है वायरल हो जाए, हो सकता है उस पर व्यूज़ आ जाए, वॉच टाइम आ जाए, लेकिन वो रीयूज कंटेंट के ऑप्शन में ही आती है। तो अगर आप पब्लिक डोमेन में कोई वीडियो को शूट करते हैं, कोई फेस्टिवल कवर करते हैं या कोई एजिटेशन कवर करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि कुछ यूनिक एंगल्स वहाँ पर ज़रूर लेकर आएँ। अगर आप नहीं लेकर आएंगे और सिंपल सिंपल वीडियोज़ बनाएंगे तो आपके रीयूज कंटेंट में वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तीसरा होता है कि आप कोई ऐप हो रही है, जैसे हॉटस्टार हो गई या कोई नेटफ्लिक्स हो गई, इस तरीके की ऐप की रिकॉर्डिंग आप अपलोड करते हैं, डायलॉग्स दिखाते हैं, तो ये भी रीयूज की कंटेंट की पॉलिसी में आती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आजकल देखिए स्मार्ट बॉक्स आ गए हैं सब जगह, डीटीएच के पेन ड्राइव डाल के उसमें रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, उनको अपलोड कर देते हैं, तो वो भी रीयूज के कंटेंट में आता है। चौथा होता है कि अगर आप कोई म्यूज़िक ऐसा इस्तेमाल करते हैं जो हर एक ही म्यूज़िक को आप हमेशा अपने वीडियोज़ में अपलोड करते हैं, तो वहाँ पर भी रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप कोई वीडियो क्रिएट कर रहे हैं और बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक लगा रहे हैं तो आपको बदल बदल कर ये चीज़ करनी है। एक सा म्यूज़िक ना लगाएं तो बेहतर रहेगा, थोड़ा नयापन भी आता है और यूट्यूब को लगता है कि कुछ नया ही कर रहा है। अब सवाल उठेगा मन में कि यार बहुत सारे ऐसे रिएक्शन के चैनल्स होते हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। देखिए यूट्यूब की एक फेयर पॉलिसी होती है जिसमें अगर आप अपनी तरफ से कोई वैल्यू एडिट करते हैं, मतलब उस वीडियो में आपने दिखाया दूसरे के कंटेंट को लेकिन आपने उसमें अपनी तरफ से भी कुछ वैल्यू ऐड करी, वहाँ पर आप बच सकते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि जिसकी क्लिप आप इस्तेमाल कर रहे हैं हो सकता है वो आपको स्ट्राइक दे दे, तो खतरा तो यहाँ पर बना रहता है। तो फेयर पॉलिसी में यानी कि आपने अपनी तरफ से कोई वैल्यू ऐड करिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मोनेटाइजेशन आपकी हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब आपका चैनल रिजेक्ट हो गया है, आपको 30 दिन मिले हैं री अपील करने के लिए, अब आपको क्या करना है। देखिए सीधी सी बात है, अगर आपने सारी वीडियोज़ ही रीयूज कंटेंट के ऊपर बना रखी हैं, दूसरे के वीडियो से ले रखे हैं,
तो वहां तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए उसको समझ सही करना, क्योंकि 30 दिन आपको दिए ही इसलिए गए हैं कि आपके चैनल पे जो रीयूज कंटेंट है उसको या तो आप रिमूव करिए या उसमें कुछ चेंजेस करिए यूट्यूब एडिटर के थ्रू। तो वो आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, अगर आप नहीं कर सकते, आप नहीं हटा सकते, मान लीजिए आपके सब्सक्राइबर बेस 10,000 का हो गया है लेकिन आपके जो व्यूज़ हैं वो आपकी करंट वीडियोस पे भी आ रहे हैं जो आपने रीयूज कंटेंट से नहीं बनाई है, ध्यान दीजिएगा इसको, बहुत आराम से समझिएगा, जो आपने रीयूज कंटेंट से नहीं बनाई है, आप फेस कैम की वीडियो बना रहे हो, अपनी वीडियोस बना रहे हो, लेकिन अब ये प्रीवियस वीडियोस थी जो आपने शुरुआत में बनाई थी जब आपको ज्ञान नहीं था, वो अगर आपने बनाई थी मतलब रीयूज कंटेंट किया था, किसी का और का कंटेंट लेके आपने बनाया था, तो YouTube आपसे कह रहा है कि 30 दिन है आपके पास, इन 30 दिनों में आप उन कंटेंट को रिमूव करो, अपने चैनल को सिंक करो, एक सिंक मतलब एक तरीके से एक दिखाओ कि हाँ ये आप ही का चैनल है, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। 30 दिन में आप अगर उस चैनल को अपना दिखा देते हैं कि हाँ ये मेरा ओरिजिनल चैनल है, आपको मोनेटाइजेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप सारे वीडियोज ही रीयूज कंटेंट की बना रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें, क्योंकि आपके पास सब्सक्राइबर तो आ गए जो आपने रीयूज कंटेंट बनाया था, अब आप दोबारा से अगर आप 30 दिन के अंदर 20-25 वीडियोस क्रिएट करते हो, 30 दिन में आराम से 20-25 वीडियो आप क्रिएट कर लोगे, थोड़ा हैक्टिक हो जाएगा, लेकिन अगर आप फेस कैम की वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हो या अपना कोई नया कुछ बनाना स्टार्ट करते हो, तो मैं मानता हूँ आपका चैनल वहाँ पर मोनेटाइज हो जाएगा और यूट्यूब समझ जाएगा कि आपने अपनी गलती को यहाँ पर स्वीकार लिया है। तो यह है इसका सॉल्यूशन। पहली बात तो यह है कि किसी की कॉपी मत करिए, अपना चैनल खुद बनाइए, अपने चैनल पर अपना कंटेंट डालिए, किसी की ज़्यादा अगर आप कॉपी करते हैं तो वो आपको ही प्रॉब्लम में होगी, क्योंकि यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ है वो क्लियर है। अमूमन क्या होता है कि कुछ चीज़ नहीं होती तो हम सीधा सीधा बोल देते हैं कि YouTube ने ऐसा कर दिया, YouTube ने वैसा कर दिया, एक्चुअली YouTube कुछ नहीं कर रहा होता है, कर हम खुद ही रहे होते हैं व्यूज़ के चक्कर में और सब्सक्राइबर्स के चक्कर में। तो ऐसा मत करिए, सीधी सस्ती वीडियो बनाइए, ज़्यादा आप सुखी रहेंगे, आपके दिमाग में भी कोई हेडेक यहाँ पर नहीं रहेगा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।